सभी साथियों को जय साम। साथियों, आज 16 जनवरी है और दिन है सोमवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, साथियों आज भी सप्ताह का पहला दिन था। हाजिर मंडियों के अंदर आज बोली का जो है पहला दिन था। चर्चा करेंगे साथियों, सबसे बड़ी खबर एक निकल के सामने आ रही है कि गेहूं के भाव 4,000 रुपये प्रति क्विंटल हो चुके हैं और नया जो गेहूं है उसके भाव भी 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहेंगे। चर्चा इसके ऊपर करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों, सरसों के अंदर आज थोड़ा सा सुधार एक बनता हुआ नजर आया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। और चर्चा करेंगे नरमे के अंदर आज 50 से लेके 80-100 रुपये तक का जो है सुधार आया है, उसके ऊपर भी और चर्चा करेंगे। गुजरात के अंदर ग्वार जो है आज 6,400 रुपये पार कर गया है और देसी कपास जिसको अपने बोलते हैं वो आज 10,300 रुपये पार करती हुई नजर आई है। चर्चा इसके ऊपर भी साथियों करेंगे। करम भाई सारी चर्चा करेंगे साथियों। उससे पहले आप सबसे निवेदन कि आप सारे साथी एक एक शेयर का बटन जो है जरूर दबाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं। प्रेम गुदारा जी ने वीडियो को शेयर कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलो साहब ने भी वीडियो को शेयर कर दिया है, आपका भी धन्यवाद। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा, लेकिन नाम उन्हीं का बोलूंगा जो जो भाई शेयर करेंगे। खबर बड़ी है, एक तो गेहूं वाली 4,000 वाली उसके ऊपर चर्चा, और कॉटन में सुधार, सरसों में सुधार, ग्वार के बारे में बात करनी भूल गया था मैं। ग्वार के अंदर भी आज जो है लगभग 50 रुपये तक का सुधार हुआ है। एनके ढिल्लो साहब, कालूराम जी आपका भी धन्यवाद। विनोद कुमार साण साहब जी आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, और प्रेम गुदारा जी आपने भी वीडियो को शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों एक एक शेयर का बटन सारे साथी भाई दबाते गाना। रमेश गुदारा जी भी आ चुके हैं, जो जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम बोल दूंगा भाई। एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबाते गाना। पहली चर्चा करेंगे, गेहूं का भाव 4,000 रुपये क्रॉस किया, ऐसी खबर आज ऐसी एक अखबार की कटिंग व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो है चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, उसी के नीचे एक हेडिंग लिखी है कि नया गेहूं भी 4,000 रुपये बिकेगा, ऐसी खबर चल रही है व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर। हाथ जोड़ के निवेदन साथियों, सतनाम बिश्नोई जी आपका धन्यवाद, अपने वीडियो को शेयर किया। हाथ जोड़कर निवेदन है साथियों कि ये जो खबरें हैं ये बिल्कुल बेतुकी, बिल्कुल बेबुनियाद जो है खबरें हैं साथियों। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है साथियों, ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद खबरें हैं और बिल्कुल बेतुकी खबरें हैं। ये कुछ लोग क्या करते हैं, व्यू लेने के चक्कर में एक अखबार उठाई उसके ऊपर एक बड़ी बड़ी हेडिंग लगा देते हैं कि गेहूं बिकेगा 4,000, नरमा बिकेगा 20,000, ग्वार बिकेगा 50,000। तो ये बिल्कुल गंदे काम करने वाले लोग हैं। आज ये खबर बहुत वायरल हुई है व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, शायद आपने भी देखी होगी, ये बहुत ही ज्यादा एक जो है वायरल खबर है। इसके अंदर जो है कोई सच्चाई नहीं है साथियों, ये बिल्कुल बेकार और बिल्कुल एक गलत खबर थी। तो मेरा आपसे निवेदन, गेहूं के भाव राजस्थान लाइन के 2800 से 3,000 तक पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इशू है, आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, लेकिन चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, नरमे के ऊपर, और चर्चा करेंगे साथियों जो है ग्वार के ऊपर। मलकीत सिंह निज्जर बड़े भाई साहब हमारे, इन्होंने वीडियो को शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरसों के बारे में बात करें साथियों, सरसों के अंदर एक थोड़ा सा सुधार बनता हुआ नजर आया, जैसा कि आपको कल बड़े ही विस्तार से, जो कल की मेरी वीडियो थी रविवार की, बहुत ही विस्तार से पुरानी सरसों के बारे में, नई सरसों के बारे में आपको बड़े विस्तार से बताया था। और पुनः बता दूं, अगर किसी भाई ने वो वीडियो मिस कर दी है तो वो वीडियो आप मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेर आप हिंदी में लिखेंगे, आपको वहां पे मिल जाएगी। तो भाई वहां जाके जरूर देखना। सरसों के लिए कल एक स्पेशल बहुत लंबा लाइव किया था रविवार को, अगर कोई भाई मिस कर गया है तो किसान राजा हेयर यूट्यूब के ऊपर सर्च मारे, आपको वहां पर कल वाली वीडियो जो है मिल जाएगी। तो सरसों में थोड़ा सा सुधार, वो सुधार क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी पूरी जानकारी आपको वहां पर YouTube चैनल के ऊपर साथियों मिल जाएगी कल वाली वीडियो के अंदर। तो सरसों में आज थोड़ा सा सुधार, और बहुत अच्छी बात है कि सरसों के अंदर सुधार हो रहा है। कोहरे की बहुत ही भयंकर मार है,
मुझे नहीं पता आप कहां से हो, कौन से एरिया से हो, आपसे निवेदन है कि एक एक कमेंट करें। गोपाल सिंह जी आपका धन्यवाद, प्रीत जी आपका धन्यवाद, सुखजीत जी आपका धन्यवाद, रमेश जी आपका धन्यवाद, आप सबने वीडियो को शेयर किया है। जो जो भाई शेयर करेंगे भाई सबके ना बोल दूंगा। प्लस आपसे निवेदन, आपका इलाका कौन सा है और आपके इलाके के अंदर ठंड के क्या हालात हैं, सरसों की फसल को कितना नुकसान हुआ है। रात भी मैंने ये बात पूछी थी लेकिन बहुत सारे साथी कह रहे थे 80% नुकसान हो गया, 70% हो गया, 60% हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा निवेदन आपसे, जो भी सही नुकसान है 20-30% का नुकसान का अंदाजा अभी लग रहा है कि इतना नुकसान हुआ है। एक एक कमेंट करके जरूर बताना और एक एक वीडियो को शेयर जो है जरूर करना, जैसे कि हाडा जी ने कर दिया वीडियो को शेयर और मोनू भरतवा जी ने भी वीडियो को शेयर कर दिया है। तो बात करें साथियों सरसों की, आज थोड़ा सा सुधार का कारण साफ है, बहुत भयंकर बर्फबारी, पहले गर्मी के कारण अब बर्फ के कारण सरसों की फसल जो है काफी ज्यादा कमजोर है। तो उसके कारण जो आने वाली फसल जिसको बहुत बम्पर बताया जा रहा था, बहुत बड़ी फसल बताया जा रहा था, उसकी जो है हवा निकलती हुई सामने साथियों आ रही है, किसानों को भारी नुकसान है, भयंकर नुकसान है किसानों को। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारे साथी, आपका एरिया कौन सा है, आपका चक कौन सा है और आपके एरिया के अंदर सरसों की फसल को सही सही कितना नुकसान हुआ है साथियों जरूर बताना, एक एक कमेंट करके आपसे निवेदन है। सरसों के भाव की बात करें, भरतपुर 6035, जयपुर 6400, सलोनी 6950, दिल्ली 6250, कोटा 5612, 5550, पीली बंगा 5400, रावला 5685, सादुल शहर 5851, सिरसा 6045, विजयनगर 6000, पूरे हिसार 5900, रायसनगर 6001 और करणपुर के अंदर 5875 रुपए साथियों आज जो है सरसों बिकी है। बात करते हैं कॉटन की, कल स्पष्ट स्पॉट बिल्कुल कड़े शब्दों में बताया था, जो पिछला हफ्ता था वो ब्रेक वाला हफ्ता था, जो ये वाला हफ्ता है बहुत बड़ी तेजी वाला हफ्ता नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी बन सकती है किसी भी एक दो दिन के अंदर, और वो दिन था आज 70 से लेकर 100 रुपए तक कॉटन के अंदर सुधार काफी मंडियों में, लेकिन काफी मंडियों में आज 50 रुपए तक की गिरावट भी जो है दर्ज की गई है कॉटन के अंदर। तो दोनों चीजें साथियों, जैसा कि कल आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बताया था कि कॉटन के अंदर ना तो बहुत बड़ी तेजी और ना तो बहुत बड़ी मंदी इस सप्ताह में रह सकती है, वही कहानी जो है बनती हुई नजर साथियों आ रही है। तो कल का जो स्पेशल लाइव था और उससे जो पहले सप्ताह का संडे का स्पेशल लाइव था, दोनों के अंदर बिल्कुल साफ बताया था कि कॉटन के अंदर अब यहां से एकदम से एकाएक बहुत बड़ी तेजी बनना बहुत मुश्किल है। किधर भी भाव 9000 के आसपास मिले तो एक बार जरूर सोच लेना भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है। बात करें कॉटन के भाव की, सिरसा 8440, आदमपुर 8490, अबोहर 8405, पीली बंगा 8700, विजयनगर 8755 रुपए, ये मंडी सबसे तेज थी आज, हमारी मंडी जो थी। एलनाबाद 8424, केसर सिंहपुर 8520, कर्णपुर 8560, रायसनगर 8662, रावड़ा 8665 और सादुलशहर 8471। और बात करें साथियों रुई की, जो देसी रुई है हमारी, बात करें उसकी, उससे पहले आपसे निवेदन की एक एक शेयर का बटन तोड़ते जाओ, मरोड़ते जाओ, दबाते जाओ। अनूपगढ़ 10181 आज देसी रुई, विजयनगर 10321 रुपए बिकी है आज देसी रुई। तो देसी रुई बहुत कम थी इस साल, पर जिनके पास थी भाई सबके बारे न्यारे हैं। बात करते हैं साथियों ग्वार की, गुजरात की मंडियों के अंदर ग्वार 6400 से लेके 6450 रुपए तक आज बिका है, बहुत ही शानदार एक तेजी ग्वार के अंदर कह सकते हैं, क्योंकि 6450 रुपए के भाव तो इस साल नहीं आए थे, पहली बात, इसलिए अपने इसको जो है तेजी बोल रहे हैं। सीताराम जी, बिश्नोई साहब आपका धन्यवाद, मुकेश जी आपका धन्यवाद, रामनिवास जी आपका भी धन्यवाद, नरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, आप सब लोगों ने वीडियो को शेयर किया भाई, जो जो भाई शेयर करते जाएंगे उन सब साथियों का नाम जो है बोलता जाऊंगा। तो ग्वार की बात करें साथियों,
इस समय की, इस साल की, आज की सबसे मजबूत जो कम्युनिटी है, जो फसल है, वो है ग्वार, और ग्वार के अंदर तेजी बन रही है। लेकिन जब भी भाव 6500 आए तो एक बार जरूर सोच लेना। मेरा बस आपसे हाथ जोड़कर इतने निवेदन है, जिन भाइयों के पास ग्वार पिछले काफी सालों से पड़ा है, एक बार 6500 के भाव जब भी आपकी मंडी में आए तो भाई दिमाग की घंटी जरूर बजाना, ऐसा मेरा निवेदन है। इससे ज्यादा मैं और कुछ भी आपका जो है नहीं कह सकता। ग्वार के भाव की बात करें, विजयनगर 6171, अबोर 5800, सिरसा 5980, गुजरात की मंडियों के अंदर 6400 से 6450, अबोहर 5800, और मोरबी मंडी है गुजरात की 6340, कर्णपुर 5825, रायसनगर 6230। मेरे ख्याल से नजदीकी सब मंडियों से तेज आज ये मंडी रही है रायसनगर की। पीली बंगाल 6131, रावड़ा 6065, और सूरतगढ़ के अंदर 6031 रुपए साथियों जो आज ग्वार के भाव रहे हैं। तो पुनः आप सबसे निवेदन साथियों, एक एक शेयर का बटन जरूर तोड़ते गाना, मरोड़ते गाना, दबाते गाना साथियों। मिलेंगे कल सुबह YouTube चैनल, हिंदी में आप लिखेंगे किसान राजा हेयर, हिंदी में लिखेंगे YouTube के ऊपर, तो कल 11 से लेकर 11:30 के बीच में कल के फसल भाव कैसे रह सकते हैं, सुबह चर्चा वहां पे करते हैं और शाम को चर्चा करते हैं यहाँ Facebook के ऊपर। YouTube के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।